हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास फोर की वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फाइव बी जो कि उन्नीस जुलाई दो हज़ार इक्कीस की वर्कशीट है और इसका सब्जेक्ट है ई हिंदी की वर्कशीट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे आप उसे भी जाकर देख सकते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास पाँच ज्ञानेंद्रियाँ हैं यानी फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं कौन कौन से ये पाँचों आँख नाक कान हाथ और जीभ ये हाथ नाकल कह के हम इसको स्किन कहते हैं यानी त्वचा कहते हैं ठीक है त्वचा ज्ञानेन्द्रिया हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को समझ पाते हैं ठीक है थेके? हमें कुछ देखना है या किसी को सूं किसी चीज़ को सूंघना है सुनना है किसी की आवाज़ को टेस्ट करना है तो ये सारी चीज़ें हम इन्हीं अपनी ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से करते हैं तो पहला प्रश्न है अब आप नीचे दी गई तालिका में ज्ञान इंद्रियों को पहचान कर उनका नाम एवं कार्य लिखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखने हैं इनके नाम तो देखो ये क्या है ये है हाथ यानी कि त्वचा आप लिख सकते हैं ये क्या है नाक ये आँख ये कान और ये तो इसको हम लिखेंगे मुँह या फिर हम इसको हम जीप भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन टेस्ट करने का काम क्योंकि हम जीप से करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे जीभ ठीक है अब यहाँ पे हमें इसका कार्य लिखना है तो त्वचा का कार्य होता है कि अगर हमें कोई भी टच करे तो हमें पता चल सके ठीक है तो यानी कोई हमें छूता है तो उसका आभास कराते हैं ये हमारी त्वचा फिर नाक का क्या काम होता है तो हम सूंघते हैं नाक से तो यहाँ आ जाएगा सूंघना ठीक है घना तीसरा है आँख आँख से हम क्या काम करते हैं तो देखने का काम करते हैं यानी देखना फिर कान से हम क्या काम करते हैं सुनने का काम करते हैं यानी कि सुनना और फिर लास्ट में जीप से हम क्या काम करते हैं टेस्ट लेने का यानी कि स्वाद ठीक है तो ये तो हो गए इनके कार्य अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न जो कि है तो चलिए बच्चों पता लगाते हैं कि आपने अपनी ज्ञानेन्द्रियों के बारे में क्या जाना है अब आप कविता में आए गहरे रंग के शब्दों से जुड़ी ज्ञानेन्द्री और उसके कार्य को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए तो यानी जो लाल शब्द है ना यहाँ पे हमें उनके बारे में बताना है जैसे पहला है बादलों की गड़गड़ाहट सुनने लगी देखते ही देखते ठंडी हवा चलने लगी अब देखो बादलों की गड़गड़ाहट तो गड़गड़ाहट हमें सुनाई देती है तो सुनने के लिए कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल होगा ज्ञानेंद्री तो वो है कान फिर है ठंडी हवा चलने लगी तो ठंडी हवा हमें महसूस होती है हमें दिखती या सुनाई नहीं देती है तो इसको हम करते हैं हाथ के द्वारा या फिर हमारी त्वचा के द्वारा ठीक है हाथ या त्वचा आप कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद अगला है छमछम करके बारिश आई इंद्रधनुष इंद्रधनुष साथ है लाई तो इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है तो देखने के लिए हम कौन सी ज्ञानेंद्रिय का इस्तेमाल करेंगे तो वो है आँख ठीक है उसके बाद है बारिश की बूंदें मिट्टी पर पड़ी मंद मंद खुशबू हवा में उड़ी तो खुशबू हमें कहाँ से समझ में आती है किस हमारे ज्ञानेंद्रिय हमें खुशबू का आभास कराती है तो वो है नाक ठीक है अगला है मौसम देख मम्मी पकोड़े लाई मिर्च ने मुंह में आग लगाई तो मिर्च ने मुंह में तो मिर्च यानी हम टेस्ट कर रहे हैं इस पकोड़े को तो टेस्ट करने का काम होता है जीभ से तो यहाँ पे जो ज्ञानेन्द्री का इस्तेमाल होगा वो है जीभ ठीक है उसके बाद है बूदों में रंगत बदलने लगी बालों में बागों में कलियाँ भी खिलने लगी तो ये जो रंगत है हमारे आसपास का माहौल है ये बदलने लग गया ये हमें कैसे पता चलता है तो ये हमें जनरली देख कर पता चलता है तो यहाँ पे भी आ जाएगा ठीक है अगला प्रश्न है बच्चों ज्ञानेन्द्रियों की देखभाल करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका उन्हें साफ एवं स्वस्थ रखना है अब आप अपनी ज्ञानेन्द्रियों के लिए उन कार्यों पर निशान लगाएं जो हमें करने चाहिए और गलत का निशान वहाँ लगाना है जो हमें नहीं करने चाहिए जैसे पहला है अपने कानों में कोई नुकीली वस्तु डालनी चाहिए तो नहीं डालनी चाहिए गलत है दूसरा और आपको ये निशान यहाँ लगाने हैं ठीक है थीके? अगला है अपने कानों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए तो कानों को बिल्कुल हमें साफ़ रखना चाहिए अगला गाजर और हरी पत्तेदार सब्ज़ी खानी चाहिए तो बिल्कुल हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए गाजर भी खाना चाहिए अगला है लंबे समय तक टीवी देखकर या मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए इससे हमारी आंखें ख़राब होती हैं ना सिर्फ आंखें भी हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है अगला है नाक पर चोट लगने से बचाव करना चाहिए बिल्कुल नाक हमारा एक नाज़ुक एरिया होता है और इस पर चोट लगने से बचाना चाहिए बल्कि शरीर के किसी भी अंग में चोट ना लगे हमें ये कोशिश करनी चाहिए अगला है नाक में कोई नुकीली चीज चीज़ डालनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए अगला अत्यधिक गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए तो ना हमें बहुत गर्म चीज़ों को पीना या खाना चाहिए और ना ही हमें बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों को खाना या पीना चाहिए उसके बाद है ब्रश करते समय जीभ को साफ़ करना चाहिए तो बिल्कुल हमें अपनी जीव को साफ़ करना चाहिए अगला है त्वचा को नमी युक्त बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए तो बिल्कुल हमें पानी पीना चाहिए अगला है प्रतिदिन स्नान नहीं करना चाहिए तो ये तो बहुत गलत बात है हमें रोज़ नहाना चाहिए तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रखा है ज्ञानेंद्रियों की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए आवश्यक गतिविधियों को दर्शाते हुए वीडियो बनाएं और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए तो आप एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताए आप खुद बताएंगे कि आपको कौन कौन सी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और फिर इस वीडियो को आप अपने टीचर्स को भेज देंगे थैंक यू